राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बी पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में जो साक्षात्कार विधा है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास किया। छात्रों, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो ये साक्षात्कार विधा है ये द्विपक्षीय संवाद है। इसमें दो लोग बैठ करके बातचीत करते हैं, यानी एक साक्षात्कार लेने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला। हमने आपको यह भी बताया था कि साक्षात्कार किसी राजनीतिज्ञ, किसी साहित्यकार, किसी कलाकार, किसी खिलाड़ी, मतलब ऐसे विशेष व्यक्ति से साक्षात्कार लिया जाता है और उस साक्षात्कार के माध्यम से मतलब सीधी और सच्ची बात श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। चाहे टेलीविजन हो, उसमें दर्शकों तक सीधी बात पहुंचाने का प्रयास रहता है, चाहे रेडियो हो, उसमें श्रोताओं तक सही जानकारी संप्रेषित करने का प्रयास रहता है। हमने आपको यह भी बताया था कि इस विधा की जो ये एक नई विधा मानी गई है जनसंचार के क्षेत्र में, इस विधा की जो प्रसारण अवधि है वो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक की हो सकती है। यदि बात लंबी होना संभावित है, यानी कि पूरी जानकारी लेना 1-30 मिनट में संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसको दो पार्टों में, दो भागों में प्रसारित किया जाता है। साक्षात्कार में मतलब ये जो जनसंचार माध्यम, विशेषकर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है टीवी और रेडियो, इस पर ये प्रसारित होने वाली ये विधा आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। ये जो विधा है ये मतलब इसकी सफलता तभी संभव है जब साक्षात्कार लेने वाला जो जो व्यक्ति होता है वो साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बारे में बखूबी जानता हो। दूसरी चीज, जो माध्यम की जो टेक्निक है उससे वो परिचित हो। और इसमें हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि जब किसी का साक्षात्कार लिया जाता है तो जो साक्षात्कार लेने वाला है वो उसके बारे में अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, तभी जाकर के सही मायने में वो साक्षात्कार ले सकता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि साक्षात्कार की सफलता में जो भेंट करता है उसका वार्तालाप में दक्ष होना आवश्यक है। इन सारी बातों को हमने पिछली कक्षा में आपके सामने रखा था। श्रोताओं, आज भी हम इसी विधा पर बातचीत करेंगे। हम आपको ये बता दें कि साक्षात्कार लेना एक कला है और ये कला उस माध्यम के जो जो उद्घोषक या एंकर या सूत्रधार जो भी होता है उसमें ये कला आनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि जो साक्षात्कार ले रहा है उसको साक्षात्कार लेने वाले, जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति के विषय में पूरी तरह से जानकारी पहले से ही ले लेनी चाहिए। दूसरी बात, जब जो साक्षात्कार ले रहा है वो सबसे पहले साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति विशेष का परिचय देता है और उसका परिचय, वो पूरी तरह से उसका परिचय देने का प्रयास करता है, उसके बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में जानने का, बताने का प्रयास करता है। भेंटकर्ता का या जो साक्षात्कार ले रहा है उसका मृदुभाषी होना आवश्यक है। साक्षात्कार विधा में जो साक्षात्कार लेने वाला है, जो सूत्रधार है, जो संचालक है, जो एंकर है,
उसका मृदुभाषी होना आवश्यक है। छात्रों, हम यहां ये स्पष्ट कर दें कि आजकल जो ये विधा है, ये लोकप्रिय विधा भी है और व्यापक विधा भी है, और काफी लोग इस विधा को बड़ी बड़े चाव से देखते सुनते हैं। लेकिन कई बार हम टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो सूत्रधार होता है वो ज्यादा बोलने की कोशिश करता है, और जो जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसे इतना अवसर नहीं दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। साक्षात्कार में जो साक्षात्कार लेने वाला है वो कम बोले, और जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है उसे अधिक से अधिक समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि श्रोता या जो दर्शक है वो उस व्यक्ति विशेष को सुनना चाहता है। तो इसके लिए जब बातचीत होती है तो पहली शर्त तो ये होती है कि जो सूत्रधार है, जो एंकर है, वो जो भेंट करता है वो मृदुभाषी हो। क्योंकि आप ही मान के चलिए कि घर में जैसे कोई अतिथि आ जाता है तो हम जिस सम्मान के साथ उनसे बातचीत करते हैं, अतिथि से बातचीत करते हैं, उसी सम्मान के साथ उस व्यक्ति विशेष से एक सूत्रधार को बातचीत करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि उसे मृदुभाषी होना आवश्यक है, उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर होनी चाहिए, क्योंकि आवाज ही व्यक्ति का आईना है, आवाज ही उसकी पहचान है। इसलिए उसकी आवाज स्पष्ट होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, उसे मृदुभाषी होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि अगर यही भेंटवार्ता, यही साक्षात्कार लिखित रूप में साहित्य आदि में लिया जाता है तो उसमें तो क्या होता है कि पाठक उसको एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा पढ़ के भी उसको समझने का प्रयास कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनमें जब एक बार शब्द कानों से निकल जाता है तो दोबारा सुनने को नहीं मिलता है, और न ही श्रोता दर्शक कोई शब्दकोश लेकर के बैठता है। इसलिए जो सूत्रधार है उसकी आवाज मधुर तो होनी ही चाहिए, कर्णप्रिय तो होनी ही चाहिए, साथ ही उसकी आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए, उसकी आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए, तभी सही मायने में प्रभावशाली साक्षात्कार लिया जा सकता है या उसकी प्रभावात्मकता कायम रह सकती है। जब उसकी आवाज स्पष्ट होगी, मधुर होगी, तभी जाकर के उस साक्षात्कार में प्रभावात्मकता आ सकती है। आवाज के संदर्भ में डॉक्टर इंद्र प्रकाश श्रीमाली लिखते हैं, छात्रों बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा है उन्होंने, वो लिखते हैं कि अच्छी आवाज ईश्वर का आशीर्वाद होती है, परवरदिगार की नियामत होती है, प्रकृति का उपहार होती है। अच्छी आवाज के साथ यदि शुद्ध उच्चारण भी हो तो सोने में सुहागा है, और आगे यदि इन दोनों के साथ प्रस्तुतिकरण रोचक, लोक लुभावना, मनमोहक, कर्णप्रिय, मन को गुदगुदाना वाला हो, मन को गुदगुदाने वाला हो, तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक वातावरण को खुशनुमा बना देती है। यहां पर डॉक्टर इंद्र प्रकाश श्रीमाली एक प्रस्तुतकर्ता के लिए ये आवश्यक मानते हैं कि एक तो उसकी आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आवाज के साथ साथ उसका जो उच्चारण है वो भी शुद्ध होना चाहिए। छात्रों, मैं यहां एक छोटी सी बात ये भी आपको बता दूं कि जैसे आप भी हिंदी बोलते हैं, मैं भी हिंदी बोलता हूं, और एक जो मीडिया कर्मी होता है, जो रेडियो और टीवी का जो एंकर होता है, जो सूत्रधार होता है, वो भी हिंदी बोलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस बात से शायद सहमत होंगे कि जो वो एंकर या वो सूत्रधार या वो प्रस्तुतकर्ता जो हिंदी बोल रहा है वो ज्यादा प्रभावात्मक है।
वो ज्यादा प्रभाव छोड़ती है हमारे ऊपर। इसका क्या कारण है छात्रों? जहां तक इस ये कारण की बात है तो मैं आपको इतना बता दूं कि पहली चीज तो उसकी आवाज बहुत अच्छी होती है। मीडिया में काम वही कर सकता है जिसकी आवाज बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात, उसका उच्चारण है वो शुद्ध होता है, और जहां शुद्ध उच्चारण होता है वहां प्रभावात्मकता निश्चित रूप से आ जाती है। वो जो टीवी का एंकर है, जो रेडियो का सूत्रधार है, जो रेडियो का प्रस्तुत करता है, वो स्पष्ट आवाज में, बहुत मधुर आवाज में शुद्ध उच्चारण करके अपनी प्रस्तुति देता है, इसलिए वो कार्यक्रम अधिक प्रभावी नजर आता है। इसके साथ साथ डॉक्टर इंद्र प्रकाश शर्मा ये कहते हैं कि आवाज अच्छी होनी चाहिए और उच्चारण अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसका उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास में अच्छी आवाज है, वो शुद्ध उच्चारण करता है, तो साथ में उसकी जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मनमोहक होना चाहिए, लोक लुभावना होना चाहिए। जब जब वो जो प्रस्तुत करता, उसकी प्रस्तुति करता है, वही तो कला है, वही तो कला है। हमारे जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनमें भी आप फर्क महसूस करते हैं। कई बार कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो उनकी भाषा में, उनकी अभिव्यक्ति में बहुत प्रभावात्मकता नजर आती है, बहुत हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत जबरदस्त प्रभाव छोड़ जाते हैं। तो ऐसी भाषा, ऐसी आवाज, ऐसा शुद्ध उच्चारण और ऐसी प्रस्तुति होगी तो निश्चित रूप से जो उसका प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही प्रभावात्मक होगा। श्रीमाली जी ने यह भी लिखा है कि आपके पास अच्छी आवाज है, आपके पास शुद्ध उच्चारण भी है, आपको प्रस्तुति का तरीका भी आता है। लेकिन वो यहां एक चीज और बताते हैं कि जो भी प्रस्तुत करता होता है, जो भी मीडिया कर्मी होता है, जो भी सूत्रधार होता है, जो भी उद्घोषक होता है, जो एंकर होता है, जो कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा है, उसके पास शब्द भंडार का होना आवश्यक है, उसके पास पर्याप्त शब्द भंडार का होना भी आवश्यक मानते हैं डॉक्टर इंद्र प्रकाश शर्मा। लिखते हैं कि पर्याप्त शब्द भंडार का होना भी आवश्यक वो मानते हैं। वे लिखते हैं कि एक शब्द के कई कई पर्यायवाची शब्द आपके मन मस्तिष्क में रहने चाहिए। जो प्रस्तुत करता है उसके पास एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द उसके पास होने चाहिए, एक शब्द के कई समानार्थी शब्द आपके ध्यान में होने चाहिए, तभी आप एक कुशल वक्ता, एंकर, उद्घोषक हो सकते हैं। यहां पर डॉक्टर इंद्र प्रकाश शर्मा ने क्या कहते हैं कि आपके पास पर्याप्त शब्द भंडार होना चाहिए, एक शब्द के कई पर्यायवाची आपके मन मस्तिष्क में होने चाहिए, और जब एक शब्द के कई समानार्थी शब्द आपके ध्यान में होंगे तो आप एक कुशल वक्ता, एंकर और उद्घोषक हो सकते हैं। क्योंकि बातचीत, मैंने पहले भी बताया था आपको, पिछली कक्षा में भी बताया था कि एक जो सूत्रधार होता है, एक प्रस्तुतकर्ता होता है, उसे वार्तालाप में निपुण होना चाहिए, और वार्तालाप में निपुण वो तभी हो सकता है छात्रों, वो वार्तालाप में निपुण तभी हो सकता है जब उसके पास शब्द भंडार होगा, तब तो वो सही मायने में कार्यक्रम को बहुत ही प्रभावात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। तो इसलिए उसके पास निश्चित शब्द भंडार होना चाहिए, उसके पास शब्दों का एक भंडार होना चाहिए, एक शब्द के अनेक जो पर्यायवाची है वो उनके उसके मन मस्तिष्क में होनी चाहिए, तो वह सही मायने में एक अच्छा सूत्रधार, एक अच्छा उद्घोषक,
एक कुशल वक्ता हो सकता है। एक सूत्रधार को, एक संचालक को, एक एंकर को मृदुभाषी होना आवश्यक है। श्रीमाली जी लिखते हैं कि यदि आपकी आंखें खूबसूरत हैं, छात्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा है श्रीमाली जी ने, यदि आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी। आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी जबान अच्छी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए वो कहते हैं कि एक सूत्रधार को जो 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 प्रस्तुत करता है उसको मृदुभाषी होना आवश्यक है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपकी आंखें खूबसूरत है तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, और अगर आपकी जुबान अच्छी है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे, यानी कि आपका जो प्रभाव है वो श्रोता दर्शक पर स्वतः ही पड़ जाएगा। अतः हमें अपनी जबान से अच्छे शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए। अतः हमें अपनी जबान से अच्छे शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए, क्योंकि बोलना विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रसाद है, क्योंकि बोलना विद्या की देवी मां सरस्वती का प्रसाद है। यह भी सर्वविदित है कि जिव्या में कोई हड्डी नहीं होती है, कि जिव्या में कोई हड्डी नहीं होती, पर यह दिल तोड़ने की ताकत रखती है। कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, रखी इसीलिए नहीं हड्डी जबान। अतः अपने मुंह से कभी भी ऐसे शब्द न बोले जिससे किसी का भी दिल टूटे, उसकी संवेदनाएं आहत हों। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सूत्रधार हो, एक प्रस्तुतकर्ता हो, एक जो मीडिया कर्मी है उसको मृदुभाषी होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन छात्रों यहां हम आपको ये भी बता दें कि आजकल जो हम टीवी चैनल्स पर जो बहस देखते हैं, वहां पर जो जो सूत्रधार है, अधिकतर सूत्रधार चीखते चिल्लाते हैं, तो उनका जो चीखना चिल्लाना है, या तो वो चीखते चिल्लाते हैं या सामने वाले को बोलने का अवसर नहीं देते हैं। इससे क्या है कि जो उनकी प्रस्तुति है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो श्रोता और जो दर्शक होता है वो सबसे बड़ा जस्टिस होता है उस कार्यक्रम का। कार्यक्रम का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है? श्रोता या दर्शक। वो सब समझता है, इसलिए जो सूत्रधार चिल्ला रहा है, चीख रहा है, सामने वाले को बोलने का अवसर प्रदान नहीं कर रहा है, तो उसकी प्रस्तुति उतनी प्रभावात्मक नहीं बन सकती है। इसलिए एक मीडिया कर्मी को, एक सूत्रधार को, एक एंकर को, एक उद्घोषक को सबसे पहली बात यही आती है कि उसे मृदुभाषी होना आवश्यक है। छात्रों इस साक्षात्कार विधा के ऊपर हम अगली कक्षा में फिर प्रकाश डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।